Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Nilam, and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is Fruits of Incitement. Fruits ka matlab yahan par hoga results. अब एक होता है फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट जिसका मतलब होता है फल जैसे कि बनाना एक फल है ऑरेंज एक फल है ग्रेप्स भी फल है सो ये जो फ्रूट होता है ना जिसे हम फल कहते हैं उसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ये सिर्फ फ्रूट होता है एंड अगर इसमें एस लग जाता है फ्रूट इसका मतलब होता है रिजल्ट सो बोला जा रहा है रिजल्ट किस चीज का ऑफ इंसाइटमेंट इंसाइटमेंट का किसी को इंसाइट करना इंसाइट का मतलब होता है किसी को प्रोवोकेट करना या हम कह सकते हैं किसी को इंस्टिगेट करना मतलब कि किसी को भड़काना या किसी को उत्तेजित कर देना तो बोला जा रहा है कि ये जो भड़काया गया या उत्तेजित किया गया उसी का रिजल्ट है बात किस पर की जा रही ऑन दी मॉप मॉप का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल लेकिन ऐसा ग्रुप जो कंट्रोलेबल नहीं है मतलब जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता एक डिसऑर्डरली क्राउड जो होता है इसे हम कहते हैं मॉप डिसऑर्डरली क्राउड ऐसी जनता ऐसा क्राउड ऐसी भीड़ जो काफी भड़की हुई है काफी गुस्से में है उसे हम कहते हैं मॉब जैसे एक वर्ड होता है सिर्फ क्राउड क्राउड का मतलब होता है नॉर्मल लोगों का की जो भीड़ होती है लेकिन मॉब मतलब डिसऑर्डरली ठीक है सो ऑन दी मॉब अटैक मॉब ने जो अटैक किया किस पर अटैक किया यूएस कैपिटल पर कैपिटल का मतलब यहां पर होता है एक बिल्डिंग जिसमें स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग होती है या मिलते हैं या बैठता है वहां उनका सीटिंग होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एंड ये कैपिटोल नहीं पढ़ना है इसे कैपिटल ही पढ़ेंगे सो so, एक बिल्डिंग होती है जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब क्या होता है लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है रूल्स बनाने वाली जो जो बॉडी होती है जो है ग्रुप होता जहां पर बैठते हैं जहां उनकी बैठक होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल सो यहाँ पर ये मॉब का डिसऑर्डरली क्राउड का अटैक हुआ किस पर यूएस कैपिटल पर एंड ये यूएस के लिए स्पेशली इस वर्ड का यूज किया जाता है यूएस में सो so, देखते हैं इफ द हिस्ट्री ऑफ नेशन इज रिप्लीट विद आयरनीज अगर हिस्ट्री मतलब इतिहास नेशन का ये रिप्लीट विथ है रिप्लीट विथ का मतलब होता है फिल्ड विथ भरा हुआ है एंड हमेशा याद रखें रिप्लीट के साथ विथ आएगा सो तो ये एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर सो तो अगर नेशन का जो राष्ट्र का जो इतिहास है ये भरा हुआ है आयरनीस से आयरनीस का मतलब क्या होता है सैरकेजम हम कह सकते हैं इसे या इसे आप कह सकते हैं एसरबिटी जिसे हम व्यंग्य कहते हैं या जिसे आप विडंबना भी कहते हैं मतलब सर्कैस्टिक तरीका होता है ना किसी को बोलने का या जिसे हम कह सकते हैं टाउं करना टाउं मारना मतलब कि बातों बातों में ही कुछ ऐसा कर देना क्रिटिसाइज कर देना उसे हम सर्कैज या आयरनी कहते हैं सो बोला जा रहा है कि अगर ये जो राष्ट्र का जो इतिहास है ये भरा हुआ है आयरनी से विडंबनाओं से है ना व्यंगों से नो कहीं भी नहीं वर दे मोर एविडेंट एंड ये नो वर, अब यहाँ पर नो वर दे अब ये देख इसलिए इन आयरनीस की बात की जा रही है कि कहीं नहीं नोवेर यहां पर ये एक एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते कहीं नहीं वर दे मोर एविडेंट एंड कहीं नहीं वो ज्यादा एविडेंट थे एविडेंट का मतलब क्या होता है स्पष्ट जिसे हम कह सकते हैं या क्लियर कह सकते हैं या आप इसे अपेरेंट भी कह सकते हैं या विविड कह सकते हैं तो इस वर्ड के ये सारे हो जाएंगे क्लियर विविड कि इतना स्पष्ट वो कहीं नहीं था यूएस सो so, बोला जा रहा है कि ये जो राष्ट्र का इतिहास है ये पूरा भरा हुआ है विडंबनाओं से है ना व्यंगों से एंड कहीं नहीं दे कहाँ पर था वो ज्यादा स्पष्ट ये जो आयरनिस्ट थी कहाँ पर स्पष्ट हमें दिखाई दे रही थी यूएस में कब जब ग्रेटेस्ट नेशन सबसे बड़ा जो राष्ट्र है नेशन है ऑन अर्थ अर्थ पर जमीन पर बिकेम होस्टेज एंड ये कैसा बन गया होस्टेज बन गया जिसे हम कह सकते हैं होस्टेज को आप कहेंगे प्रिजनर मतलब कि बंधक बन गया या जिसे आप कह सकते हैं कैप्टिव तो ये कैप्टिव बन गया प्रिजनर बन गया बंधक बन गया टू एन एन आया है मतलब कि नाउन आएगा आर्टिकल आया है टू एन अगली अटेम्प्टेड काउ सॉरी इसे काउप नहीं पढ़ते कूप पढ़ते हैं so, सो कूप का मतलब होता है जब कोई ग्रुप होता है जो कंट्रोल ले लेता है किसी कंट्री का फोर्सफुली है ना टू टेक कंट्रोल फोर्सफुली सिंपल लैंग्वेज में क्या है टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स ओके फोर्सफुली कहीं का कंट्रोल लेना कहीं घुस जाना फोर्सफुली कुछ करना उसे हम कहते हैं कू सो so, यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो सबसे बड़ा नेशन है अर्थ पर जमीन पर ये होस्टेज बन गया बंधक बन गया कैप्टी

यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सबसे बड़ा जो नेशन है अर्थ पर जमीन पर बिकेम होस्टेज ये बंधक बन गया एक अगली अटेम्प्टेड का लेड बाय बाय अ मॉब मतलब ये जो कंट्रोल लिया गया बाय फोर्स ये किसके द्वारा मॉब के द्वारा मतलब बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि ये जो यूएस की जो कैपिटल है जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब ये लॉ मेकिंग बॉडी बैठती है वहां पर फोर्सफुली ये मॉब का अटैक हुआ मॉब मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डरली क्राउड कह सकते हैं ऐसा क्राउड जो बहुत गुस्से में है एंग्री क्राउड कह सकते बेयरिंग स्लोगन्स बेयरिंग स्लोगन स्लोगन्स बोलते हुए ऑफ बोल सपोर्ट मतलब मतलब अब उन्हें वहां से अपनी जो है सीट छोड़नी है सो so ये जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है इनके फेवर में ये मॉब क्या कर रहा था यहाँ पर नारेबाजी कर रहा था स्लोगन मतलब नारे लगाना बेयरिंग स्लोगन मतलब नारे बोलना सो so इस तरीके से सो so, फिर से एक बार देखते हैं कि ऐसा नेशन जो कि पूरा भरा हुआ है विडम्बनाओं से एंड कहीं नहीं ये जो विडंबनाएं हैं ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिली हमें स्पष्ट कहाँ थी यूएस में थी जब सबसे बड़ा नेशन दुनिया का अर्थ पे होस्टेज बन गया बंधक बन गया कैप्टिव बन गया किसके लिए कैसे किससे कैप्टिव बना मॉब से मॉब ने वहां पर क्या किया एक अचानक से हमला कर दिया है ना नहा का उस जगह का कंट्रोल ले लिया वहां पर घुस गए एंड ये स्लोगन्स बोलते हुए नारे लगाते हुए किसके सपोर्ट में जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है इनके सपोर्ट में अब यहाँ पर देखेंगे ग्रामर की दो चीजें नोट करने वाली है सबसे पहले तो यहां देखना है आपको कि नोवेयर से नोवेयर एक एडवर्ब है एंड जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है मैं यहां पर लिख रही हूं जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तब वहां पर इन्वर्जन फॉर्म फॉलो किया जाता है कौन सा फॉर्म इन्वर्जन इन्वर्जन फॉर्म में होता क्या है पहले हमें लिखना होता है वर्ब एंड देन आता है सब्जेक्ट नॉर्मल जो assertive सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है पहले हमारा आता है सब्जेक्ट एंड देन हम वर्ब लिखते हैं नॉर्मल सारे एसर्टिव सेंटेंस में इन्वर्जन फॉर्म में देखिए यहाँ पर लिखा है पहले वर्ब देन सब्जेक्ट आता है तो हमेशा याद रखेंगे जब भी जैसे यहाँ नो वेयर आया है यहाँ पर नो सुनर आ जाए यहाँ पर हार्डली रेयरली स्केर, आ, आ जाए तो सभी एडवर्ब के बाद इन्वर्जन फॉर्म मतलब की वर्ब पहले यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया है एंड दे सब्जेक्ट बाद में आया है सो इन्वर्जन फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है एंड ये जो गाइज ये जो पैसेज है ये जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीख को मिलेगी एंड इसकी लैंग्वेज भी काफी टफ है काफी बहुत सारे यहां पर वोकैबलरी भी है सो so, देखते हैं बोला जा रहा है सो so, यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि इन्वर्जन uh, फॉर्म का यूज किया जाता है उसके बाद यहाँ आपने ये एक फ्रेजल वर्ब को देखा रिप्लीट के साथ हमेशा विद का यूज किया जाता है एंड यहां पर हमने एक चीज देखी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है एंड उसके पहले भी मतलब कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है अब अगली तो हमें पता है ब्यूटीफुल का अपोजिट है तो ये भी एडजेक्टिव है लेकिन काम एडवर्ब का कर रहा है लेकिन देखिए नाउन के पहले दो एडजेक्टिव तीन एडजेक्टिव का यूज भी किया जा सकता है सो आगे देखते हैं ऑन वेन्स्डे वेन्स्डे अब देखिए वेन्सडे के लिए यहाँ ऑन का यूज किया है क्योंकि ये डे है हंड्रेड्स ऑफ देम स्टॉम्ड दैपिटल बिल्डिंग सो बोला जा रहा है वेनेसडे को क्या हुआ हंड्रेड्स की संख्याओं में है ना स्टोम्ड कर दिया स्टॉम मतलब क्या होता है uh, जाके सीधा जबरदस्ती घुस जाना या जिसे हम कह सकते हैं अटैक करना या रश करना आप कह सकते हैं कहीं जाकर सो कैपिटल बिल्डिंग को र... में जाके सीधा मतलब घुस जाना जबरदस्ती घुस जाना इसे हम storm कहते हैं या अटैक आप कह सकते हैं सो हंड्रेड्स की संख्याओं में इन्होंने अटैक कर दिया कैपिटल बिल्डिंग पर ज पुलिस अपियर एंड पुलिस जो अपियर दिखाई दे रही थी टू बी ओवरवेलम ओवरवेलम हो चुकी थी ओवरवेलम का मतलब क्या होता है मतलब हारा हुआ महसूस कर रही थी रेस्टलेस हो चुकी थी जिसे हम कहते हैं या anxious, काफी चिंतित दिखाई दे रही थी है है ना ओवरवेलम का मतलब होता व्याकुल हो जाना जाना चिंता में आ जाना, मतलब पुलिस भी ये ये सोच रही थी कि इतना ये जो मॉब है इतनी जो संख्याएं हैं हंड्रेड्स की संख्या में ये जो मॉब ने अटैक कर चुका है इसे हम कैसे कंट्रोल करें कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाए कैसे क्योंकि ये मॉब था ये एंग्री पीपल थे गुस्से में थे नारेबाजी कर रहे थे सो एस पुलिस अपियर टू बी ओवरवेल एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड ये जो कांग्रेस के मेंबर्स थे जो कि हु वर गैदरिंग जो गैदर हो रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जो गैदर हो रहे थे इकट्ठा हो रहे थे किस लिए टू सर्टिफाई सर्टिफाई का मतलब क्या होता है टेस्टिफाई करना टेस्टिफाई मतलब प्रमाणित करना किसी चीज को है ना प्रमाण प्रमाण देना उसका मतलब प्रूफ देना कि यस ये चीज क्या है बिल्कुल सही है तो सर्टिफाई करना अब यहाँ पर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस है जो कि सर्टिफाई करने के लिए प्रमाणित करने के लिए रिजल्ट्स को रिजल्ट्स किस चीज के 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के है ना जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रम्प थे ये हार गए थे बात यही हो रही है एंड ये डोनाल्ड ट्रम्प हार गए थे इन्हीं के फेवर में लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे कि नहीं हमें तो डोनाल्ड ट्रम्प ही चाहिए एज अ प्रेसिडेंट इस तरीके से सो सर्टिफाई सर्टिफाई द रिजल्ट ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को प्रमाणित करने के लिए ये जो मेंबर्स थे कांग्रेस के ये जो गैदर हो रहे थे ये इन्होंने क्या किया दे कॉवर्ड बिहाइंड बेंचेस और वर इवेक्यूटेड कावर्ड का मतलब यहाँ पर होता है छुप जाना छुपना नहीं यहाँ पर होता है झुक जाना झुक जाना या पीछे हटना ओके okay? जिसे हम ड्रॉबैक कह सकते हैं सो so, ये जो रिजल्ट्स घोषित करने के लिए ये जो गैदर हो रहे थे मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ये कावर्ड बिहाइंड बेंचेस बेंचेस के पीछे ये क्या हुए छुप गए या झुक जाना होता है कावर मतलब होता है झुक झुक जाना ओके okay. गए या पीछे हटना तो ये बेंचेस के पीछे झुक गए और वर इवेक्यूएटेड या उन्हें इवेक्यूएट किया गया इवैक्यूएट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है इवेक्यूएट करना आपने सुना होगा जिसका मतलब होता है रिमूवल रिमूव करना या शिफ्ट करना है ना ऐसी जगह जो सेफ नहीं है मतलब अनसेफ जगह से हम सेफ जगह पर जब शिफ्ट करवाते हैं लोगों को उसे हम कहते हैं करवाना सो या तो उनका इवैक्यूएशन किया गया या तो वो बेंचेस के पीछे क्या हो गए झुक गए छुप गए सो so, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हंड्रेड्स की संख्याओं में ये जो मॉब था इस मॉब ने कैपिटल बिल्डिंग पर क्या कर दिया अटैक कर दिया हमला कर दिया एंड पुलिस भी यहाँ पर ओवरवे चिंतित दिखाई दी काफी व्याकुल दिखाई दी कि कैसे हम इस भीड़ को रोके कैसे इसे कंट्रोल करें एंड ये ये जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वहां पर आ आ रहे रहे थे थे किस लिए रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए इसे टेस्टिफाई करने के लिए सर्टिफाई करने के लिए इसका प्रमाण देने के लिए कि हाँ ये बिल्कुल सही तरीके से हुआ है इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई इस तरीके से तो ये जो लोग थे कांग्रेस ये जो टेस्टिफाई करने आ रहे थे ये इन्होंने ड्रॉबैक कर लिया मतलब कि ये झुक गए छुप गए बेंचेस रखे हुए थे बेंचेस के पीछे या उन्हें इवैक्यूएट करना इवैक्यूएट करना पड़ा मतलब कि शिफ्ट करना गया क्योंकि वो चीज जो थी वो जो कैपिटल बिल्डिंग थी वो उनके लिए काफी अनसेफ हो गई थी तो वहां से उन्हें किसी सेफ जगह पर इवैक्यूएट किया गया मतलब कि शिफ्ट किया गया आई होप बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई है आगे बढ़ता है ओल्धो हालांकि या यद्यपि इसका मतलब होता है एंड जब भी देखिए ओल्धो आता है ओल्धो के बाद जो कंजंक्शन आता है वो या तो येट होगा या तो फिर कॉमा होगा मतलब ओल्डो आना है मतलब कि ये दो यहां पर क्लॉजेस आएंगे सो so, ये दो क्लॉजेस के बीच में या तो कॉमा आता है या तो यट आता है सो so, यहां पर देखेंगे ऑल द मोव वॉज इवेंचुअली इवेंचुअली का मतलब क्या होता है इन द एंड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं फाइनली कि फाइनली आखिर में क्या हुआ ऑल्दो द मोव वॉज इवेंचुअली इजेक्टेड उन्हें इजेक्ट कर दिया गया इजेक्ट का मतलब होता है आ, किसी को फोर्सफुली किसी जगह से आ, भगा देना मतलब कि आप यहां से निकल जाए फोर्सफुली कंपेल टू लीव अ प्लेस या जिसे हम कहते हैं रिमूव कर देना वहां से या फोर्स आउट कर देना मतलब फोर्सफुली आउट कर देना बाहर निकाल दिया गया सो हालांकि यद्यपि इस जो ये जो मॉब था भड़की हुई जो जनता मतलब जो आई हुई थी नारेबाजी कर रही थी उन्हें आखिर में तो यहां से निकाल दिया गया फोर्सफुली लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है मैंने अभी कहा था ऑल्डो के बाद या तो कॉमा या तो आप यहाँ पर वाई ये टी येट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं या तो आप स्टिल वर्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आता या तो आप येट यूज कीजिए या तो कॉमा या तो स्टिल अगर यहाँ बट आ जाए एंड आ जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा सो ये नोट करने की बात है ये एक रूल है ग्रामर का सो देखते हैं लॉ मेकर्स वेंट ऑन बोला जा रहा है कि लॉ मेकर्स वेंट ऑन टू रिकनवाइन मतलब वेंट ऑन मतलब प्रोसीड या कंटिन्यू से हम कह सकते कंटिन्यू टू रिकनवाइन कन्वीन का मतलब क्या होता है uh, इकट्ठा करना कंबाइन करना कन्वीन मतलब कलेक्ट करना किसी को इकट्ठा करना या हम कह सकते हैं मस्टर है muster, ना मतलब गैदर करना अब रिकनवाइन बोला जा रहा है री मतलब फिर से करना तो मतलब टू कलेक्ट या मस्टर अगेन मतलब फिर से कलेक्ट करना या किसी को मस्टर करना ये होता है रिकनविन सो so, बोला लॉ मेकर्स वेंट ऑन कंटिन्यू टू रिकनविन फिर से कलेक्ट करना एंड फॉर्मली सर्टिफाई द रिजल्ट एंड फॉर्मली मतलब औपचारिक तरीके से इस रिजल्ट को क्या किया प्रमाणित किया ओके okay? मतलब बाद में हुआ कि जन्द वो जो मॉब था उसे वहां से भगा दिया गया फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया एंड फाइनली रिजल्ट जो थे वो घोषित किए गए एंड मिस्टर ट्रम्प फाइनली कमिटेड टू एंड मिस्टर ट्रम्प Finally committed के साथ हमेशा याद रखना है टू प्रिपोजिशन का ही यूज किया गया था सो so, इन्होंने कमिट किया एन ऑर्डरली ट्रांजिशन ट्रांजिशन यहाँ पर नाउन हो जाएगा ऑर्डरली या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है एंड एन जो है इस ट्रांजिशन के लिए अब देखिए ऑर्डरली एल वाई लग गया एंड हमें लगता है कि जिस भी वर्ड में एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब ही होता है ब्यूटिफुली है ना स्लोली ये सारे एडवर्ब होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कुछ एड्जेक्टिव भी ऐसे है जिनके एंड में एलवाई आता है एडजेक्टिव तो हाँ है ट्रांजिशन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है चेंज so सो ये कैसा हुआ ऑर्डरलीस so मैं एक ऑर्डरली ट्रांजिशन करूंगा ट्रांजिशन मतलब क्योंकि ये आप प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उससे हटने वाले थे तो ये जो ट्रांजिशन है ये जो चेंज है इसे में बिल्कुल ऑर्डर में बिल्कुल यहां पर बोला जा रहा है फॉर्मली औपचारिक तरीके से करूँगा मेजर सोशल मीडिया अब ये जो मेजर मतलब कि बड़ी जो सोशल मीडिया हैं है ना जहां सोशल मीडिया जहां पर फेसबुक का हो ट्विटर ये सारी चीजें लॉग्ड हिज अकाउंट हिज मतलब किसका डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट उसको लॉक कर दिया गया मेजर सोशल मीडिया ने क्या किया डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट को लॉक कर दिया क्यों फॉर वायलेटिंग वायलेट करना मतलब क्या होता है उल्लंघन करना सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसीज जो वायलेट कर रहे थे उनकी civic, civic मतलब होता है अर्बन हम कह सकते हैं इसे आप अर्बन है? या इसे हिंदी में नागरिक कहा जाता है मतलब नगर का या टाउन का मतलब किसी सिटी का या किसी टाउन का उसे हम कहते हैं सिविक इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब होता क्या है ईमानदारी या सच्चाई है ना जो ट्रस्ट है तो होती है सो so, उनकी जो इंटीग्रिटी है जो सच्चाई है जो ट्रुथफुलनेस है पॉलिसीज जो है पॉलिसीज मतलब जो नीतियां है है ना अब उन्होंने अब ये बोला क्या जा रहा है कि जो जितने भी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे फेसबुक होगा ट्विटर होगा इंस्टाग्राम सभी ने क्या किया ट्रम्प की जो प्रोफाइल थी उसे लॉक कर दिया क्यों उसके अकाउंट को क्यों लॉक कर दिया क्योंकि वो वायलेट कर रहे थे मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे थे अपने अकाउंट से शायद कोई ऐसे मैसेजेस सेंड कर रहे होंगे या ऐसी सारी चीजें जो काफी भड़का हु है लोगों को भड़का रही थी क्योंकि हमने देखा ना एक मॉब आया था ग्रुप ऑफ पीपल बिल्कुल गुस्से में जो नारेबाजी कर रहा था एंड ये किसके आ, मतलब ये के फेवर में नारेबाजी कर रहा था कि हम ट्रम्प के साथ हैं हमें तो ट्रंप ही प्रेसिडेंट चाहिए सो ये वायलेट करने का काम कर रहे थे मिस्टर ट्रंप इसीलिए सोशल मीडिया ने इनका क्या कर दिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया लॉक कर दिया बिकॉज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो सिविक मतलब नागरिक सच्चाई कह सकते हैं या ईमानदारी जो पॉलिसीज है ईमानदार जो नीतियां हैं उसे क्या कर रहा था वायलेट कर रहा था उसका उल्लंघन ये कर रहे थे नेमली नेमली मतलब अगर कहा जाए तो क्या कर रहे थे इंसाइटिंग इंसाइट करना मतलब क्या होता है अगेन स्टिमुलेट करना किसी को इंस्टिगेट करना स्टिमुलेट करना इंस्टिगेट करना या हम कह सकते हैं भड़काना या फ्यूएल कहते हैं इसे सो so, क्योंकि ये क्या कर रहे थे अगर बोला जाए नेमली मतलब अगर बोला जाए तो ये भड़का रहे थे वायलेंस वायलेंस मतलब क्या होता है हिंसा होता है लिख देते हैं हिंदी में हिंसा सो so, हिंसा भड़का रहे थे विद द मंथस ऑफ कंटेंशियस पोस्ट एंड एक महीने से या महीनों से कैसे पोस्ट डालकर ऐसे पोस्ट जो कि कैसे थे काफी विवादस्पद थे कंटेंशियस मतलब विवादस्पद जिससे क्या होगा Causing disagreement, जो कि disagreement cause करे, ना कुछ लोग उसमें एग्री हो कुछ लोग एग्रीमेंट नहीं हो रही है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है लड़ाई हो रहा है लोग भड़क रहे आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं कंटेंशियस so, ये ऐसे पोस्ट डाल रहे थे महीनों से जो की कंटेंशियस थे विवादस्पद थे दैट मेड और जो बना रहे थे एक बेसलेस एलिगेशन एलिगेशन मतलब क्या होता है इल्जाम बेसलेस थे जिसका कोई बेस ही नहीं था ओके अबाउट इलेक्टोरल फ्रॉड एंड ये क्या था इलेक्टोरल चुनावी फ्रॉड के रिलेटेड चुनाव में फ्रॉड हुआ है मुझे कम सीट इसलिए मिली क्योंकि यहां पर कुछ फ्रॉड था कोई घपला हुआ है इस तरीके से द इमीजिएट ट्रिगर फॉर द मॉप एंड ये इमीजिएट मतलब तुरंत का ट्रिगर ट्रिगर मतलब क्या होता है किसी चीज को एक्टिवेट कर देना किसी चीज को शुरू कर देना ट्रिगर दबाते हैं ना मतलब किसी चीज को ऑन कर देना शुरू कर देना ये यह यहां पर जो बोला जा रहा है ना ये ट्रिगर मतलब भड़काना कि इमीजिएट ट्रिगर था किसके लिए मॉब के लिए ये मॉब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इन्हें भड़काने के लिए सेट टू हैव बीन एंड ये जो था ये जो ट्रिगर था ये कैसा सेट टू हैव बीन मेथोडिकली प्लान एंड ये जो ट्रिगर था ये लोगों को भड़काना है है ना ये जो अपने कंटेंशियस पोस्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पर ये एक मेथोडिकली प्लान किया हुआ था प्लानिंग की गई थी कैसे वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया के द्वारा वाया मतलब द्वारा ये एक प्लानिंग थी कि हमें ऐसे पोस्ट डालने है लोगों को भड़काना है ताकि भीड़ यहाँ पर आ जाए एंड ये सारी चीजें दंगे फसाद हो ये सारी चीजें सो सेट टू हैव इन मेथोडिकली मेथॉडिकली मतलब क्या होता है एक ऑर्डर में जिसे हम कह सकते हैं एंड ऑर्डरली और सिस्टमैटिक मैनर एक बराबर एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इस चीज को किया गया था ठीक है सरप्राइज एंड ये क्या था एक सरप्राइज था वॉट द सरप्राइज विक्ट्री ऑफ टू डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एंड ये जो बोला जा रहा था कि ये एक सरप्राइज विक्ट्री थी किसके लिए दो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के लिए जिनका नाम है रेफेल एंड जॉन ओसोफ सो इनके लिए ये क्या थी एक सरप्राइज विक्ट्री थी इन जनवरी फाइव जनवरी फाइव में रन ऑफ इलेक्शन इन जॉर्जिया जो कि रन ऑफ इलेक्शन हुए थे कहां पर ये जॉर्जिया नाम की जो प्लेस है यहाँ पर रन ऑफ का मतलब क्या होता है जैसे इलेक्शन हुआ एंड इलेक्शन में सपोज uh, दो लोगों के बीच में टाई हो गया सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले अब दोनों तो दोनों तो दोनों को तो गद्दी नहीं मिल सकती ना दोनों को तो पोस्ट नहीं मिल मिली सक, मिल सकती सॉरी सो so, एक फिर से एक इलेक्शन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि किसको हायर नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे है ना क्योंकि दो के बीच में टाई हो गया तो टाई को डिसाइड करने के लिए कि दो पर्सन के बीच में टाई है उसमें से कौन सा पर्सन को पोस्ट मिलने वाली है तो उसे हम कहते हैं रन ऑफ इलेक्शन सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो बोला जा रहा है कि मॉब ने तो अटैक कर दिया था कैपिटल पर यूएस कैपिटल पर लेकिन इवेंचुअली आखिर में इसे इजेक्ट करने में बाहर निकालने में हम Uh, मतलब वो जो थे सफल रहे एंड लॉ मेकर्स क्या हुआ लॉ मेकर्स ने फिर से इकट्ठा की सारी चीजें एंड फॉर्मली फिर औपचारिक तरीके से रिजल्ट भी सर्टिफाई किए मिस्टर ट्रंप ने फाइनली कहा यस मैं एक ऑर्डरली ट्रांजिशन करूंगा मतलब ये जो चेंज है ये जो मुझे पोस्ट छोड़नी है बिल्कुल ऑर्डरली औपचारिक तरीके से मैं सारी चीजें करूंगा फिर बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये जो ट्रम्प है मिस्टर ट्रम्प की सारी सारे जो अकाउंट्स थे ये बंद कर दिए गए थे क्योंकि ये ये क्या कर रहे थे सिविक इंटीग्रिटी जो पॉलिसी होती है कि आपको सारी चीजें सच डालनी है सही चीजें डालनी है सोशल मीडिया की भी कुछ पॉलिसीज होती है कि आप गलत चीज नहीं डाल सकते ये सारी चीजें भड़काऊ पोस्ट आपको नहीं डालना है तो इस तरीके के काम ट्रंप कर रहे थे भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे लोगों को भड़का रहे थे महीनों से तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया ने उनके सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया लॉक कर दिया नेमली कहा जाए तो ये कर क्या रहे थे इनसाइड कर रहे थे लोगों को प्रोवोक कर रहे थे स्टिमुलेट कर रहे थे भड़का रहे थे लोगों के बीच में हिंसा है ना महीनों से कैसे कंटेंशियस पोस्ट डाल रहे थे ऐसे पोस्ट जो कंटेंशियस थे जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट झगड़ा भड़क रहा था एंड ये ऐसे पोस्ट थे जो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन मतलब ऐसे इल्जाम ये लगा रहे थे मिस्टर ट्रम्प जो बिल्कुल बेसलेस थे उसका कोई बेस ही नहीं था उसका कोई प्रूफ ही नहीं था किसके बारे में इलेक्ट्रोर मतलब चुनावी जो फ्रॉड है चुनाव से लेके जो फ्रॉड हुआ है जो कुछ चीटिंग हुई है इस तरीके से अब बोला जा रहा है कि जो इमीजिएट ट्रिगर था मॉब के लिए मतलब ये मॉब को भड़काने की जो इमीजिएट एक ट्रिगर बनाया गया था कि एकदम तुरंत जिससे मॉब भड़क जाए ये एक मेथड मेथोडिकली प्लान था मतलब कि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें लोगों को भड़काना है एंड इससे हुआ क्या एक सरप्राइज विक्ट्री हुई दो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स की एंड ये कैंडिडेट्स कौन थे यहाँ पर रफेल वेरनॉक एंड जोन थे कब इन दी जनवरी फाइव रन ऑफ इलेक्शन में एंड रन ऑफ इलेक्शन मतलब ऐसा इलेक्शन जब टाई हो जाता है किसी एक मेन इलेक्शन में तो दो लोगों के जॉर्जिया so, में आगे देखते हैं दैट इलेक्शन वॉज ने किया गया था किसके द्वारा बाई दैट नो कैंडिडेट वन फिफ्टी परसेंट ऑफ दी मतलब इस इलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी क्यों नेसेसिटी हुई क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को पॉपुलर वोट का 50% परसेंट नहीं मिला था इन नवंबर थ्री अब देखिए थ्री नवंबर की बात की जा रही है डेट है इसलिए इन ओके okay. सो so, ये जो 3 को जो नवंबर को इलेक्शन हुआ था इसमें किसी भी कैंडिडेट को पॉपुलर वोट पॉपुलर वोट मतलब लोगों का जो वोट था ये फिफ्टी परसेंट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला जब जनरल इलेक्शंस हुए थे इसलिए वो पिछले हमने स्लाइड में पढ़ा इसलिए ये रनऑफ इलेक्शन हुआ था मतलब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन है जो रन ऑफ इलेक्शन है दैट मतलब पर्टिकुलर किसी इलेक्शन की बात की जा रही है मतलब मतलब कि कि ये जो अभी हमने देखा दैट यूज किया मतलब कि किसी चीज के बारे में बात की है है ना इस तरीके के वर्ड्स हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बहुत यूजफुल होते हैं मतलब जिस इलेक्शन की बात की एंड अभी हमने देखा रन ऑफ इलेक्शन की बात की है सो ये जो इलेक्शन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि ये जो फैक्ट है कि, कि किसी भी कैंडिडेट को 50 परसेंट पॉपुलर वोट लोगों का वोट नहीं मिला कब नवंबर थ्री थ्री नवंबर को जब जनरल इलेक्शन हुए थे सो so, बोला जा रहा है है उनकी जो विन अब यहां पर बोला जा रहा है ये जो कैंडिडेट्स है उनकी जो विन है गिव्स वो देती है डेमोक्रेट्स को फिफ्टी सीट देगी सिनेट में है ना सीनेट मतलब होता है वरिष्ठ सभा या जिसे हम कहते हैं uh, लेजिस्लेटिव के जहां पर हाई फंक्शन सबसे हाईली फंक्शन होते हैं है ना उच्च फंक्शंस जहां पर होते हैं वरिष्ठ सभा जिसे कहते हैं तो सीनेट में फिफ्टी सीट्स मिलेंगी विच इज टेंट अमाउंट टू ये क्या है एक टेंट अमाउंट है टेंट अमाउंट के साथ हमेशा याद रखेंगे टू का यूज किया जाता है इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है एंड टेंट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू या इक्वी वैलेंट टू कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलर uh, टू कहते हैं क्वी वैलेंट इन वैल्यू मतलब सेम वैल्यू का आप कह सकते हैं या आप इसे सिंपल लैंग्वेज में इक्वल टू भी कह सकते हैं या इसे आप ऑन भी कह सकते हैं बिल्कुल same, similar, या आप इसे सेम एज भी कह सकते हैं सो टेंटाउंट टू यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपना फ्रेजल वर्क बन जाएगा सो so, टेंटाउंट के बाद टू ही आएगा सो विच इजाउंट टू कंट्रोल ऑफ द अपर चैंबर जो बिल्कुल सिमिलर है कैसे कंट्रोल के अपर चैम्बर ऑफ कांग्रेस तो अपर चैंबर ऑफ कांग्रेस के बिल्कुल सिमिलर ही है बिकॉज इन द इनकमिंग बिकॉज द इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट जो इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट होंगी कौन कमला हैरिस डिसाइडिंग वोट इन टाई अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि कमला हैरिस है जो कि बनने वाली है ये कास्ट करेंगी डालेंगी एक जो देगा, है ना अब जैसा टाई हो गई है दो लोगों के बीच में अभी हमने पढ़ा था दो नाम भी देखे थे सो उनके बीच में टाई हो गया है एंड ये टाई को डिसाइड करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां पर ये जो इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस ये भी अपना वोट कास्ट करेंगी ये अपना वोट डालेंगी टाई में जो टाई हो गया है टू से दैट इनकमिंग एन द फोर्टी सिक्स यूएस प्रेसिडेंट अब अगर बोला जाए किमिंग फोर्टी सिक्स यूएस प्रेसिडेंट है देखिए आपका जीए का क्वेश्चन बन गया President है, कौन? जो बाइडेन सो जो बिडेन जो की फोर्टी सिक्स यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैंज ए टफ जॉब है ना जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट कौन थे तो आपके डोनाल्ड ट्रम्प होंगे फोर्टी सिक्स कौन है जो बाइडन इनका काफी टफ जॉब रहेगा काफी इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी काफी जिम्मेदारियां बड़ी होंगी ऑन हिज हैंड कब आफ्टर हिज इनोग्रेशन जब वो इनोग्रेशन करेंगे जनवरी ट्वेंटी को मतलब जहां पर भी उनकी सीट रखी जाएगी जहां भी कैपिटल में वो जहां पर बैठेंगे सीटिंग अरेंजमेंट होगा उनका वहां पर वो जहां का जब इनग्रेशन करेंगे तो उनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी एंड वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट मतलब ये बात बोले कि हाँ उन्हें बहुत एक टफ जॉब है उनके हाथ में एंड ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट है मतलब ये बहुत छोटी सी बात है कहना मतलब कि उनकी जो जिम्मेदारियां है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका जो जॉब रहेगा वो काफी बड़ा होगा का. So, आगे देखते हैं अब बोला जा रहा है द शियर विशियसनेस विशियसनेस का मतलब होता है क्रूरता जिसे हम कहते हैं काफी क्रूर होना या इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं क्रूअल्टी है ना निर्दयी आप किसे कह सकते हैं या इसे आप कह सकते हैं वायलेंस मतलब कि हिंसा क्रूएल्टी हो जाएगा हिंसा या हिंसक या क्रूर आप जिसे कहते हैं शियर शियर का मतलब यहां पर होता है कंप्लीट जिसे आप कह सकते हैं कंप्लीट शेयरनेस है ना जो कंप्लीट यहाँ पर ये यह जो क्रूरता है ऑफ द जनवरी सिक्स मॉब अटैक की मतलब ये जो मॉब अटैक ने ये जो क्रूएल क्रूएलिटी दिखाई थी है ना ये जो वायलेंस दिखाया था जो कंप्लीट वायलेंस वायलेंस है किसका जनवरी छ को जो हुआ था मॉब अटैक एंड मोर देन टू मंथ्स ऑफ हेटफुल विट्रियल एंड दो महीने से भी ज्यादा ये जो हेटफुल विट्रीओल हुआ था विट्रीओल का मतलब क्या होता है क्रिटिसिज्म बहुत ही किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही जिसे हम कहते हैं भला बुरा कहना गलत लैंग्वेज से बुराई करना ये जिसे आप मैलिस कह सकते हैं तो so ये जो विट्रियोल था हेटफुल बिल्कुल नफरत भरा ये जो क्रिटिसिज्म था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉलोइंग जो फॉलो कर रहा था टू टू जीरो टू जीरो इलेक्शन है ना सो टू जीरो टू जीरो इलेक्शन के बाद ये जो हेडफुल विट्रीओल था जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा ऑफलाइन भी इसे प्रचार किया जा रहा था ये एक प्रूफ है 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 ना ये क्या है? एक proof है. So, ये क्या एक प्रूफ तो हैल के लिए इस वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया विट्रीओल यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट है कि जो विट्रीओल था ये प्रूफ है दैट पॉलिटिकल अमेरिका इज डीपली पोलराइज पोलराइज पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक है ना राजनीति कि जो अमेरिका है राजनीतिक अमेरिका ये डीपली बिल्कुल डीप तरीके से घने तरीके से कैसी हो गई है पोलराइज हो गई है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है मतलब कुछ लोग डोनल्ड ट्रंप को फेवर कर रहे हैं कुछ लोग जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं फोर्टी सिक्स है ना जो बाइडेन उन्हें फेवर कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि ये क्या हुआ है दो हिस्सों में दो पार्ट्स में पोलराइज डिवाइड हो चुकी है सो so, आगे बढ़ते हैं ब्रीमिंग विथ एंगर ब्रीमिंग का मतलब होता है फिल्ड कंप्लीटली विथ समथिंग सो हम इसे कह सकते हैं फिल्ड Completely, किसी चीज से कंप्लीटली फिल्ड हो जाना भर जाना है ना सो so, यहाँ पर किस चीज से एंगर से गुस्से से कंप्लीटली फिल्ड एंड के साथ देखिए विद का यूज किया जाता है सो ब्रीमडिंग ब्रीमिंग विथ एंगर एंड डिसमेंट डिस एंशांटमेंट मतलब क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट डिस अपॉइंट हो जाना नाराज हो जाना हश, हताश हो जाता है ना तो डिसअपॉइंटमेंट या डिसअेड चलो ठीक है कोई बात नहीं है तो डिसअपॉइंटेड हो गए थे एट दी ग्राउंड रियालिटीज मतलब जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो सो तो यहाँ बोला क्या रहा जा रहा है कि ये जो कंप्लीट शेयर जो क्रूर क्रूरता जो दिखाई गई है mob के द्वारा जिन्होंने अटैक किया था कैपिटल पर कब जनवरी सिक्स पर एंड ये जो दो महीनों से ज्यादा का जो हेड हेडफुल विट्रियॉल चल रहा था मतलब कि नफरत भरा जो विट्रीओल था क्रिटिसिज्म था क्रिटिसाइज कराइज किया जा रहा था किस किस तरीके से क्रिटिसाइज किया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा एंड ऑफलाइन मतलब प्रचार के द्वारा ये सा, सारी चीजें लोगों में फैलाई जा रही थी किसके बाद दो के इलेक्शन के बाद ये एक प्रूफ है ये जो विट्रीओल है ये जो क्रिटिसिज्म ये प्रूफ है कि जो पोलिटिकल अमेरिका है जो राजनीतिक अमेरिका है ये डीपली पोलराइज हो चुकी है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है जो ब्रीम्ड है कंप्लीटली फिल हो चुकी है भर चुकी है गुस्से से एंड डिसअपॉइंटेड भी है जमीनी हकीकत पे बोला जाए अगर तो अब बोला जा रहा है द अनप्रेसिडेंटेड असोल्ट अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है दैट हैज नेवर दैट हैज नेवर हैपन्ड बिफोर जो कभी हुआ नहीं है है ना कभी भी हुआ नहीं है पहले उसे हम कह सकते अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये ऐसा असोल्ट है असोल्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा फिजिकल अटैक जिसे हम कहते हैं या जिसे हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर हमला जिसे कहेंगे या फिजिकल अटैक सो ये जो अनप्रेसिडेंटेड हमला था ऐसा हमला जो अनप्रेसिडेंटेड है मतलब कि जो कभी नहीं हुआ सो ऐसा हमला ऑन द वेरी सोल ऑफ ऑन द वेरी सोल सोल मतलब क्या होता है स्पिरिट या जिसे हम कहते हैं आत्मा सो so, आत्मा पर किसकी डेमोक्रेसी की आत्मा पर है ना लोकतंत्र या प्रजातंत्र की आत्मा पर यह हमला ये हमला उस कैपिटल पर नहीं है ये ऐसा हमला है जो कभी नहीं हुआ ये जो है ये आत्मा पर सोलिट परिडेन पुटेट जैसे कि मिस्टर बिडेन ने सॉरी बाइडेन ने यहाँ पर पुट किया उसे मतलब की बताया कि ये जो हमला है ये डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है ये हैज बीन इन द मेकिंग एंड

फिर एट द हार्ट ऑफ सुनामी सुनामी मतलब ये जो तूफान है ऑफ एंग्स्ट एंग्स्ट मतलब यहाँ पर हम जिसे कह सकते हैं फियर या जिसे हम कह सकते हैं यहां पर चिंता या जिसे आप यहां पर कह सकते हैं वरी सो फियर एंजाइटी और वरी मतलब इसी का मतलब होता है आइंस तो बोला जा रहा है ये जो तूफान था ये जो गुस्से का एंजाइटी का जो तूफान था ये एविडेंट है ये स्पष्ट है कैसे थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौर में हमें क्लियरली ये स्पष्ट रूप से दिखाई गया एंड ये इज अ सेंस ऑफ फ्रस्टेशन एंड बोला जा रहा है कि ये जो हार्ट ऑफ सुनामी जो कि एविडेंट था थ्रू आउट द इलेक्शन ये क्या है ये एंग्स्ट को बोला जा रहा है कि एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है लोग फ्रस्ट्रेशन हो रहे दैट ग्रीप ग्रीप मतलब क्या होता है पकड़ बनाना जो 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 ग्रीप कर रहा है पकड़ बना रहा है किस पर मिडिल अमेरिका पर एंड मिडिल अमेरिका में कौन कौन है इंक्लूडिंग मिडिल क्लास व्हाइट क्लास जो लोग हैं एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स ब्लू कॉलर एक टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लू कॉलर वर्कर वर्कर मतलब काम करने वाले एंड ब्लू कॉलर मतलब कि जो मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं शारीरिक वर्क ज्यादा करते हैं जैसे लेबर्स होते है रो, रोजगार रोज के मतलब जैसे क्या कहेंगे श्रमिक जो कारगर कारीगर होते हैं जो मैन्युअली बहुत ज्यादा मतलब मशीन से नहीं लेकिन फिजिकली uh, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है सो ब्लू कॉलर वर्कर और ये जो व्हाइट मिडिल क्लास थे इन पर ये जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था ये क्या मजबूत पकड़ बना रहा था मतलब ये ज्यादा परेशान हो रहे थे यहाँ पर ओवर द किस पर ओवर द इनएविटेबल चार चेंजेस अब ऐसे चेंजेस जो इन एविटेबल थे इन एविटेबल का मतलब क्या होता है अनअवॉइडेबल जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता ऐसी कोई चीज जो होगी ही जो होकर ही रहेगी जिससे आप एस्केप नहीं हो सकते जिससे आप एस्केप एस्केपेबल एक मिनट एस्केपेबल ओके सो जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकते जिसको छोड़ के आप भाग नहीं सकते वो इनएविटेबल है वो होकर ही रहेगी सो so, ऐसे चेंजेस जो इनएविटेबल थे जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल थे टू द यूएस एस इकोनॉमी में जो होने वाले थे एंड यूएस की सोसाइटी में जो होने वाले थे सो so, एक बार देखते हैं इस पैसेज में कहा क्या जा रहा है कि ये जो कंप्लीट जो विशियसनेस थी क्रूरता थी है ना मॉब अटैक की जो मॉब ने बिल्कुल हिंसक तरीके से अटैक किया था एंड मोर देन टू मंथस ऑफ एंड बोला जा रहा है कि जो हेडफुल विट्रोअल था क्रिटिसिज्म था जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा रहा था कब फॉलोइंग 2020 इलेक्शन मतलब इलेक्शन के जस्ट बाद में ये प्रूफ है कि अमेरिका जो है पॉलिटिकल राजनीतिक अमेरिका नाम दिया है अमेरिका क्योंकि ये राजनीतिक अमेरिका एंड ये राजनीति यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही है एंड ये राजनीतिक जो अमेरिका है ये कैसी हुई है डीपली पोलराइज हो गई है दो हिस्सों में बढ़ गई है जो कि ब्रीम मतलब कि कंप्लीटली भर चुकी है गुस्से से एंड डिसअपॉइंटमेंट से अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो अब तो बोला जा रहा है कि ऐसा असोल्ट ऐसा हमला जो कभी पहले नहीं हुआ एंड ये जो हमला था ये सीधा जो लोकतंत्र है डेमोक्रेसी है, इसकी आत्मा पर हुआ था जैसे कि मिस्टर बाइडेन ने इसे बताया है ना एंड ये जो हमला था ये जो असोल्ट था जो मॉब के द्वारा किया गया ये इन द मेकिंग था मतलब ये प्रोसेस में था चार सालों थे चार सालों से ऐसा हमला हमें करना है फिर बोला जा रहा है एट द हार्ट ऑफ सुनामी मतलब ये जो भौचाल आया गया है ये जो तूफान आया गया है है ना ऑफ एंग्स्ट एंगस्ट मतलब गुस्से का फियर का कह सकते हैं हम डर का ये एविडेंट था थ्रू आउट कंप्लीटली कि ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है है ना मतलब ये जो कैंपेन होगा ये कैंपेन मतलब क्या होता है जिसे हम कहते हैं अभियान इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हैं ना इलेक्शन प्रचार करना अभियान सो so ये इलेक्शन का जो प्रचार है ये क्या है एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है जिससे काफी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है टेंशन आ रहा है कह सकते हैं टेंशन बढ़ रहा है फ्रस्ट्रेट हो रहे लोग चिंतित हो रहे एंड ये जो चिंता थी जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था ये स्पेशली किस किन लोगों को ग्रीब कर रहा था किन पर ज्यादा पकड़ बना रहा था किन आ, कौन से ऐसे लोग थे जो इस चीज से ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे वो थे वाइट वाइट मिडिल क्लास लोग एंड ब्लू कॉलर वर्कर मतलब जो श्रमिक वर्कर्स होते हैं वो एंड ये किस पर ये जो इन एविटेबल चेंजेस थे जो अनअवडेबल जिसे हम रोक नहीं सकते थे ऐसे चेंजेस जो कि यूएस इकोनॉमी में एंड इसकी यूएस की सोसाइटी में होने वाले थे अब देखते हैं देर इज अ व्यू अब व्यू है दैट द फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है इमिग्रेट करना है ना जैसे हम जाते हैं अमेरिका में एंड वहां पर हम रहते हैं तो उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं एंड ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है जिसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं या हमारा हमारा कोई बिजनेस है या किसी चीज को हम जब पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में उसे एक्सपांड करते हैं है ना उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं मतलब भूमंडलीकरण Have lit. अब देखिए have, have के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है एंड ये लिट जो है ना ये एल आई जी एस टी लाइट का ही थर्ड फॉर्म है लाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है लिट होता है सो so, का मतलब क्या होता है किसी बैड सिचुएशन को वर्स्ट बना देना टू मेक बैड सिचुएशन मतलब ये जो सिचुएशन है ये पहले ही बैड है पहले ही खराब है एन इस खराब सिचुएशन को आप क्या कर देंगे वर्स्ट बना देंगे मतलब और ज्यादा खराब कर देंगे टू मेक बैड सिचुएशन वर्स्ट मतलब कि खराब सिचुएशन को और ज्यादा खराब बना देते उसे हम कहते हैं यहाँ पर लिट दि सो ये जो फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन थी एंड ये जो ग्लोबलाइजेशन था एक्सपानशन का जो प्रोग्राम किया जा रहा था हैव लिट इसने क्या कर दिया लिट कर दिया जला दिया द फ्यूजेस फ्यूजेस को जला दिया मतलब फिर से सिचुएशन को खराब कर दिया ऑन दी एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है विस्फोट हो जाना, फूट जाना racial prejudice. Racial prejudice का मतलब किसी चीज का पक्ष लेना तो ये जाति जातियों को देखकर पक्ष जो लिया जा रहा था एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक मतलब आर्थिक इनसेक्योरिटी जो थी असुरक्षा थी इसे क्या कर रहा था ये और ज्यादा भड़का रहा था है ना ये सिचुएशन पहले ही खराब थी इसे ये और ज्यादा क्या कर रहा था वर्स्ट बना रहा था लेकिन अगर रियलिटी में बात करें मिस्टर ट्रम्प जो करेंट रिटरिक सेंस ऑफ एलियनेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्फंक्शन फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन सो बोला जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प के जो स्ट्रीडेंट स्ट्रीडेंट का मतलब यहां पर होता है काफी कठोर है ना काफी हार्ड रिटरिक मतलब क्या होता है रिटोरिक uh, मतलब स्पीच हम कह सकते हैं स्पीच स्पीच बोलना हम जिसे कहते हैं है ना या आर्ट ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग होता है तो स्पीच या जो भी वो लिख रहे थे सो तो ये जो काफी कठोर शब्द जो कह रहे थे ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे एक्सप्लॉइट मतलब यूज कर रहे थे है ना मिस्टर ट्रम्प जो स्टूडेंट रिटोरिक एक्सप्लोयटेड ये जो यूज कर रहे थे दिस सेंस ऑफ एलियनेशन एलियनेशन का मतलब क्या होता है आइसोलेट कर देना किसी चीज को अलग कर देना या डिटेच कर देना सो आइसोलेट एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या होगा सामाजिक सोशियो मतलब सामाजिक इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सो सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा था डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है जब कोई चीज ठीक से फंक्शन नहीं करती देखिए फंक्शन वर्ड से आया फंक्शन मतलब अच्छे से काम करना डिस मतलब क्या होगा कोई चीज जब सही तरीके से फंक्शन नहीं करती उसे हम कहते हैं डिसफंक्शन फॉर नैरो काफी बारीक पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन मतलब ये खुद के पॉलिटिकल राजनीतिक और खुद के पर्सनल गेन के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे मतलब बोला क्या जा रहा है कि ये जो फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन थी एंड ये जो ग्लोबलाइजेशन था है ना जिसे हम भूमंडलीकरण भुमन, कहते हैं जो एक्सपांशन था फ्यूज मतलब इसने क्या किया इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया ऑन दी एक्सप्लोजिव विस्फोटक जो कॉम्बिनेशन था किसका रेशियल प्रिजुडाइज मतलब इन्होंने बोला कि अरे ये जातीय है, मतलब है ना कास्ट से लेके बहुत सारी चीजें बात की क्रिटिसाइज किया सो रेशियल प्रिजुडाइज एंड इकोनॉमिक आर्थिक इनसिक्योरिटी असुरक्षा पर इन्होंने सारी चीजें लिखी बोला और इनके ये जो रिटोरिक दिस सेंस ऑफ एलिनेशन एंड इन्होंने क्या कर दिया एलिनेट कर दिया आइसोलेट कर दिया चीजों को क्योंकि इनके जो स्पीच थे ने जो बातें कही लिखी है काफी कठोर थी जिस वजह से सोशो इकोनॉमिक क्या हुआ डिसफंक्शन हो गया एंड ये सारी चीजें की क्यों गई पॉलिटिकल और पर्सनल गेन के लिए नाउ मिस्टर बाइडेन हैज एन अपॉर्चुनिटी अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू स्ट्राइक अ मोर बैलेंस है ना कि ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को क्या करें स्ट्राइक uh, मतलब कि स्ट्राइक अ मोर बैलेंस अब बैलेंस को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बनाने की बात की जा रही है यहां पर देखिए ये अगेन एक फ्रेज है बहुत सारे फ्रेजेस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जिसका मतलब होता है टू सक्सेसफुली डील विथ अ डिफिकल्टी डील विथ अ डिफिकल्टी किसी डिफिकल्टी से डील करना जिसे हम कहते हैं टू स्ट्राइक अ मोर बैलेंस तो अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है है ना कि वो इस uh, जो भी सारी चीजें किए उससे डील कर सकते हैं उसे सुधार सकते हैं नोट बाय ऑन अदर हैंड एंड कैसे नोट बाय मतलब कैसे ऑन अदर हैंड किस तरीके से सीकिंग टू रिवाइव कि ये रिवाइव रिवाइव मतलब क्या होता है फिर से रिफ्रेश करना या फिर से किसी चीज को रिन्यू करे तो फिर से ये नया करे द मोरिबंड स्पिरिट स्पिरिट मतलब क्या होता है सोल आत्मा एंड मोरिबंड मतलब क्या होता है मरती हुई है ना मोरिबंड मतलब डाइंग हम कहते हैं मरती हुई तो so, ये जो मरती हुई आत्मा है इसे क्या कर दे फिर से रिवाइव करे फिर से इसे जिंदा कर दे ऑफ बाय पार्टीसन कंसेंसस बाय पार्टीसन मतलब क्या होता है एग्रीमेंट uh, और जिसे हम कह सकते हैं एग्रीमेंट और कोऑपरेशन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो एग्रीमेंट शॉर्टकट में लिख देते हैं एग्रीमेंट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज की दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं Bipartisan, consensus मतलब क्या होता है किसी चीज पर एग्री करना जिसे हम सहमति कहते हैं या आम सहमति कि दो पॉलिटिकल पार्टीज की जो आम सहमति है है ना उसका जो ये जो मॉरिबंट स्पिरिट है इसे फिर से क्या करें जिंदा करें एंड एक्सपीडियंटली एक्सपीडियंटली मतलब क्या होता है हरीडली जल्दी से क्या करें जल्दबाजी में टैकलिंग द थॉर्नी इशू कि टैकल करें थॉर्नी इशू थॉर्नी मतलब क्या होता है प्रॉब्लमैटिक ये जो प्रॉब्लमेटिक इशू है प्रॉब्लम है ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म कि जो इमिग्रेशन रिफॉर्म है इसे क्या करें कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है इंक्लूडिंग ऑल सभी चीजों को इंक्लूड करके इस इमिग्रेशन में क्या होना चाहिए रिफॉर्म होना चाहिए मतलब कि चेंज होना चाहिए है ना इमिग्रेशन अगेन इमिग्रेशन मतलब क्या होता है जैसे दूसरी कंट्रीज के लोग जो वहां पर है तो उन्हें वो इमिग्रेंट कहेंगे सो तो इसमें भी चेंज होनी चाहिए ऑन अदर अदर हैंड हैंड दूसरी बात बोली जा रही है है रिड्रेसिंग द इल्स रिड्रेस करना मतलब क्या होता निवारण निकालना किसी चीज की रेमेडी है ना सोल्यूशन निकालना इल्स मतलब क्या होगा जो भी वहां पर बैड चीजें है खराब चीजें है जो भी डिफिकल्टी है उसे यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका यहां पर क्या बोला जा रहा है उसे रिड्रेस किया जाए उसकी रेमेडी निकाली जाए Of run away. Run away मतलब क्या होता है? जो भगोड़ा जिसे कहते हैं कि out of control है, जो भाग रहा है या जिसे हम यहां पर कहेंगे ऐसा so, ऐसा जो out of control है, है ना लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण या इसका मतलब क्या होता है जो रेस्ट्रिक्शन होती है ना किसी चीज पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है एंड उस रेस्ट्रिक्शन को आपने लूज कर दिया है उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन सो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन को जो लूज कर दिया गया है है ना जो ऐसा मार्केट जो बिल्कुल अनकंट्रोल है आउट ऑफ कंट्रोल है जो बिल्कुल लूज चल रहा है एंड फॉर्जिंग, फॉर्ज का मतलब होता है यहां पर बिल्ड करें या कंस्ट्रक्ट करें अब यहां पर इतने सारे वर्ड है ना इस वजह से समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी सो एंड फॉर्जिंग बिल्ड कंस्ट्रक्ट करे पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमिक विजन एक विजन बनाए है उसे वो क्या के करेगा, मतलब कि उसे उस ड्रीम को अकम्पलिश करेगा सो so, बोला क्या जा रहा है कि ये जो फोर्सेज है इमिग्रेशन की जो दूसरे कंट्रीज से आई है ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो डेलीकरण है इसने क्या किया है फिर से ये जो पहले चीजें भड़की हुई है

इस तरीके से यहाँ बोला जा रहा है एंड एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शनिंग ये जो डिसफंक्शन हो रहा है ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है सामाजिक एंड आर्थिक किस लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें ये खुद का एक गेन चाहते हैं इनका एक पर्सनल इसमें कुछ मोटिव है या पॉलिटिकल गेन इन्हें चाहिए इसमें अब मिस्टर बाइडेन बोला है कि अब इनके पास मतलब कि मिस्टर बाइडेन का ऐसा कहना है कि अब ये जो हमारे जो पहले के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये बैलेंस को स्ट्राइक करे मतलब इस सिचुएशन को डील करे कैसे ये जो मोरिबन मरता हुआ जो सोल है आत्मा है लोगों की बायपार्टीसन कंसेंसस जो हो गया है डिसएग्रीमेंट हो गया है लोगों के बीच में इसे क्या करें अब फिर से रिवाइव करें फिर से इसे ज़िंदा करें एंड जल्दी से टैकल करें ये जो भी थॉर्नी इश्यूज़ हैं जो भी डिफिकल्टी की जो चल रही है उसे यहाँ पर सॉल्व किया जाए एंड ये जो जितने भी डिफ़िकल्टी है बैड सिचुएशन है या जो ऐसा मार्केट है जो काफ़ी लूज़ हो चुका है लिबरलाइज हो चुका है जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसे भी ये क्या करें ठीक से हैंडल करे कंट्रोल करे एंड एक विजन बनाए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए जो कि अमेरिका के ड्रीम को क्या करेगी जो भी सपना है अमेरिका का उसे करेगी कंप्लीट करेगी सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन थैंक यू वेरी मच माई नेम इज नीलम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज थैंक यू वेरी मच